लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नेताओं पर जमकर परसे समाज सेवी धनंजय पंडित। कहलगांव प्रखंड अंतर्गत एकचारी भोलसर पंचायत के समाज सेवी धनंजय पंडित ने अपने पंचायत में मास्क और साबुन का वितरण कराया। उसके बाद पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसी क्रम में धनंजय पंडित एकचारी भोलसर पंचायत के मुखिया और जनप्रतिनिधि पर जमकर बरसे और उसने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पंचायत में मास्क, साबुन और सैनिटाइज क्यों नहीं करा रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि अपनी जान बचाने के लिए घर में बैठे हुए हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। स्थानीय प्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के दौरान समाज सेवा का ढोंग करते हैं, जबकि इस वैश्विक महामारी में सभी जनप्रतिनिधियों को सामाजिक भलाई हेतु बढ़ चढ़ कर आम जनों की मदद करनी चाहिए। बिट्टू कुमार की खास रिपोर्ट। बोल सर, कल से ही फोगिंग का काम चालू किया हूँ पूरा भोलसर पंचायत में। पश्चिम टोला से स्टार्ट किया हूँ और पूरा भोलसर पंचायत को फोगिंग के द्वारा जितना भी कोरोना वायरस है, मच्छर है, मक्खी है और भी कोई तरह का कीटाणु है, इस फोगिंग के द्वारा सभी नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से कि पूरे भारत में आज कोरोना पूरा एक संक्रमण का बहुत बड़ा रूप ले लिया है, इस आपदा और इस संक्रमण का कड़ी को काटने के लिए हम लोग को, युवागण को, समाज से भी जितने भी लोग हैं सभी को चढ़ बढ़ करके भाग लेना होगा, तभी हम इस संक्रमण से सभी को बचा सकेंगे। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि, जो कि गांव के लोग प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं कि समाज में जो भी तरह का कोई भी आपदा आवे, कोई भी तरह का प्रॉब्लम समाज को हो, तो उस कड़ी में उनको उपस्थिति दर्ज करना चाहिए, समाज के हर वर्ग के पास जाना चाहिए, उनका दुख तकलीफ में साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। मैं एक समाज सेवी के नाते जितना भी चलता है मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। पिछले साल भी मैंने बहुत सारा काम किया है। जितने भी लोग यहाँ पर गरीब गुरबा है, जिनको खाना के लिए दिक्कत होता था, सभी को घर घर पर जाकर के मैंने राशन पहुँचाया। और आज इतना संक्रमण भयावह हो गया है, भयानक रूप ले लिया है, लेकिन आज के डेट में कोई भी प्रतिनिधि आज भोलसर पंचायत की सुधि लेने के लिए कोई भी नहीं पहुँचे हैं। जब जरूरत पड़ता है वोट मांगने चले आते हैं, जब जनता संकट में रहते हैं तो दुबकी दे देते हैं अपने घर में। ऐसा कब तक चलेगा? लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर है।